वडोदरा जिला चुनाव अधिकारी एवं वडोदरा जिलाधीश वैसे अतुल गोर द्वारा आज मतगणना केंद्र की मुलाकात ली गई। वडोदरा शहर जिला के चुनाव अंतर्गत पहली तथा 5 दिसंबर वैसे दो चरण में गुजरात भर में चुनाव का आयोजन होने वाला है। ऐसे में जिला चुनाव आयोग भी हरकत में आते हुए हर एक तैयारियों को परिपूर्ण करने की कोशिश की जा रही है। वडोदरा जिला चुनाव अधिकारी एवं जिलाधीश वैसे अतुल गोर द्वारा आज मतगणना केंद्र की मुलाकात ली गई। यहां पर मुलाकात लेने के साथ तमाम व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। वडोदरा शहर जिला की 10 बैठकों के आम चुनाव 5 दिसंबर को होने वाले हैं, उसी की मतगणना 8 दिसंबर को होने वाली है। वडोदरा शहर जिला की 10 बैठकों की मतगणना पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित होने वाली है, जिसको ध्यान में रखते हुए आज जिला चुनाव अधिकारी अतुल गोर तथा शहर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शमशेर सिंह द्वारा मतगणना केंद्र की मुलाकात लेते हुए तमाम व्यवस्था कामगिरी का निरीक्षण और समीक्षा की गई। अतुल गोर की मतगणना केंद्र के साथ मुलाकात लेते हुए स्ट्रांग रूम, मतगणना रूम की मुलाकात तथा व्यवस्था की निरीक्षण की गई थी। मीडिया सेंटर, चुनाव निरीक्षक कक्ष तथा जिला चुनाव अधिकारी कक्ष, कंप्यूटर कक्ष, हरिफ उम्मीदवार कक्ष सहित हर एक व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए विशेष मार्गदर्शन दिया गया था। विधानसभा सामान्य चूंटणी 2022 अंतर्गत वडोदरा जिला की चूंटणी 5मी तारीखे योजाशे। 5 डिसेम्बरे चूंटणी बाद पोल ईवीएम ने पॉलिटेक्निक वडोदरा खाते लावामां आवशे अने अहीं आगळ ज 8मी तारीखे नुं काउंटिंग थशे। એટલે 8 ડિસેમ્બરે કાઉન્ટિંગની જે વ્યવસ્થા સુગ્રથિત રીતે થાય તે માટેનું આગોતરા આયોજન માટે પોલીસ કમિશનરશ્રી સાથે આજે મુલાકાત લીધી અને સમગ્ર પ્રક્રિયા સુંદર રીતે આયોજનબદ્ધ થાય તેનું આયોજન ગોઠવવામાં આવ્યું છે। વડોદરાની સુગ્ન જનતા અને વડોદરાના તમામ મતદારોને મારી અપીલ છે કે વધુમાં વધુ પ્રમાણમાં આપ મતદાન થાય તે માટે તમામ મતદારો પોતાના મતદાનનો ઉપયોગ કરે। જય હિંદ।